Hello guys, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you would be fine. Today my topic is present simple, so I'm going to teach you present simple. And as you know that ke present simple mein hamare paas bahut sare points hain, to unme se hum zahir hai har ek point ko alag alag se explain nahi kar sakte, so I'm going to teach you some of them. So I hope that you better understand. तो आज है हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्पेलिंग रूल्स पढ़े थे कि हम स्पेलिंग रूल्स किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आई वी दे यू है तो आप कोई भी वर्ब में ई एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ही शी इट एनी नेम, तो जाहिर है फिर उसमें हम ई एस और एस का इजाफा करते हैं. उसकी पूरी डिटेल मैं पहले अपनी पहले वाली वीडियो में देख चुका हूं. अगर आपको समझना मजीद तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें. तो अब हम चलते हैं, यहां ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास दो है, वन वी कॉल डू एंड सेकेंड वी कॉल डज. हम चूंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम यहां नॉट लगाते हैं. अब हम यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं डेली रूटीन्स. याद रखिएगा, डेली का मतलब होता है रोजाना और रूटीन का मतलब होता है मसरूफियात, यानी रोजाना की मसरूफियात. अब हम रोजाना की मसरूफियात क्या होती है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं, दैट इज वी कॉल डेली रूटीन. लाइक हम रोज मुंह धोते हैं, रोज हम खाना खाते हैं और रोज हम जो है वो कपड़े चेंज करते हैं. दिस इज वी कॉल डेली रूटीन. इन डेली रूटीन दिस इज विच वी डू डेली. अब हम जब बात करते हैं डेली रूटीन की, तो जाहिर है हम डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें भी ऐड करते हैं जिनमें हम वक्फे से करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम डेली रूटीन को कोई चीज काम करेंगे तो उसमें हम वक्फा भी दे सकते हैं और वक्फा नहीं भी दे सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा डेली रूटीन मिसाल के तौर पे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक माय ब्रेकफास्ट, आई चेंज माय ड्रेस, तो ये वो काम है जो हम रोज करते हैं. तो जो रोज काम करने वाला होगा वो हम डेली रूटीन्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी रोजाना की मसरूफियात जो आप रोज कर रहे हैं. अब उसके बाद मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 7 AM, ठीक है, मैं सुबह 7 बजे उठता हूं. देन आई चेंज माई ड्रेस, फिर मैं अपने कपड़े तब्दील करता हूं. लाइक दिस यू कैन हैव ऑल द सेंटेंसेस. दिस इज ऑल वी कॉल प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल अमंग देम वी कॉल डेली रूटीन. तो जो भी काम आप रोजाना करते हैं That is we call daily routine. उसके बाद and after that we are having repetitive actions. याद रखिएगा, repetitive actions का मतलब होता है दोहराना. Repeat का मतलब होता है दोहराना. Repetitive actions का मतलब होता है दोहराए जाने वाले काम. दोहराए जाने वाले काम. अब कौन से दोहराए जाने वाले काम है? For example, अगर आप daily routine इस्तेमाल करते हैं और repetitive action इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेली रूटीन एंड रिपीटेड एक्शंस. तो ये याद रखिएगा कि डेली रूटीन्स में हम वो काम जो रोज करते हैं एंड रिपीटेड एक्शंस में दोहराते हैं. इट मींस वी आर हैविंग अ गैप. हमारे पास उस सेंटेंस में गैप है. जब हमारे पास किसी सेंटेंस में गैप होगा तो वो हम रिपीटेड एक्शंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस्तेमाल करते हैं ये लाजमी हम प्रेजेंट सिंपल के ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे, विमेन वॉश क्लॉथ्स, खवातीन कपड़े धोती हैं. अब जाहिर है रोज कपड़े नहीं धुलते बल्कि हफ्ते में एक दो बार, एक दिन दो दिन मशीन लगती है. घर में खवातीन एक से दो बार मशीन लगाती हैं, तो उसके लिए हम भी यहां प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे. हाउ विल वी रिकॉग्नाइज, मिसाल के तौर पे दिस इज वी कॉल सब्जेक्ट, दिस इज वी कॉल वर्ब एंड दिस इज वी कॉल ऑब्जेक्ट.
तो ये सब्जेक्ट प्लस हुआ प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल ही हुआ, लेकिन प्रेजेंट सिंपल को हमने मजीद क्लेरिफाई किया कि हम प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप गैप देते हैं, जैसे मैंने लिखा वुमेन वॉश क्लॉथ्स, खवातीन कपड़े धोती हैं, इसका मतलब रोज नहीं धुलते बल्कि वक्फे से धुलते, तब भी हम प्रेजेंट सिंपल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एंड आफ्टर दैट परमानेंट सिचुएशंस, देखिए परमानेंट सिचुएशंस वो कहलाती हैं, परमानेंट का मतलब होता है कि मुस्तकिल तौर पे। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यकीन यू माइट हैव सीन दैट कि लोग पूछ रहे हैं यार आप ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं, आप टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली परमानेंट जॉब का मतलब ये होता है कि मुस्तकिल काम करना, यानी जब तक कंपनी है जब तक डिपार्टमेंट है तब तक आप काम कर रहे हैं, या जब तक आपके अंदर सांस है तब तक आप काम। मतलब यही हुआ कि कोई भी ऐसी जो नाकाबले तब्दील हो, दैट इज वी कॉल नाकाबले तब्दील। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नाकाबले तब्दील सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिश लिव्स इन वॉटर, मछली पानी में रहती है, क्या मछली कहीं और भी रह सकती है? ऑब्वियसली नहीं, ये परमानेंट सिचुएशंस है। तो इसी तरह परमानेंट सिचुएशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जो नाकाबले तब्दील हो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल। यानी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल हुआ। आफ्टर दैट हमारे पास है जनरल ट्रुथ, इसको हम कहते हैं काबले तब्दील। काबले तब्दील जुमला कौन सा होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, काबले तब्दील वो जुमला होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि जो परमानेंट हो, तो परमानेंट तो चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन जो जनरल जोक्स होंगे इसका मतलब है हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है, आपने मिसाल के तौर पे देखा होगा, एक फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आई वर्क फॉर जियो। हमारे यहां जैसे आपको पता है कि जियो एक चैनल, पहला प्राइवेट चैनल था, तो उसमें हमने कहा आई वर्क फॉर जियो, मैं जियो के लिए काम करता हूं। दिस इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन दैट आई विल कीप डूइंग दिस जॉब, मैं हमेशा वहीं करता हूं, ये कोई परमानेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं टेम्परेरी भी कर सकता हूं, इसमें मैं तब्दीली, मिसाल के तौर पे मैं जियो छोड़ के एआरवाई जा सकता हूं, मैं जियो छोड़ के एआरवाई छोड़ के समा चैनल पे जा सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो ऐसे सेंटेंसेस जो जिनमें आप तब्दीली कर सकते हैं और एक जगह वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो सकते, चेंज हो सकते, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल, और इसका वही जनरल ट्रुथ को फॉलो करेंगे। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा, और मैं आपसे चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल का आइकन, अगर आपको बेल नजर आ रही है वो अगर प्रेस नहीं किया है तो वो प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।